बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अमल ऐसी ख्वातीन के लिए है जिनकी शर्मगाह में सूजन रहती है, सूजन पैदा हो जाती है, या सूजन की वजह से रेशा और कोई रतूबत का बहना बन जाए, उसके खात्मे के लिए ये जो अमल है इसको इस तरीके से किया जाए कि इस तवीज़ को, ये जो नक्श है, इसको किसी सुनहरे कागज़ पे बनाया जाए। बनाने के बाद इसको लपेट के इसके ऊपर रुई को लपेट लिया जाए। रुई को लपेटने के बाद धागे के साथ इसके ऊपर गिरा लगा के धागे को लंबा रख के छोड़ देना चाहिए और इस चीज़ को अपनी शर्मगाह के अंदर रख के एक घंटा, और उसके बाद इसको निकाल के इसको जला के तो वो देखें कि उनकी इस तकलीफ़ में अफाका हुआ। अगर तो अफाका हुआ तो ये बिल्कुल बात साबित करती है कि इनके ऊपर किसी ने कोई ऐसा पलीद अमल किया है जिससे जो ख़ास जिस्म का हिस्सा होता है वो फिर ख़राब हो जाता है, और उसकी ख़राबी की वजह से जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती है उसके अंदर ख़राबियाँ आ जाती हैं। तो अगर इस तरह की बात हो, उसके अलावा जो डॉक्टरी इलाज होते हैं उनको भी करवाया जाए, और साथ इस अमल को भी करने से एक तो तशखीस भी हो जाती है रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। अगर कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी काम करना शुरू कर देती है। तो ये रूहानी तौर पे इस अमल को खुद ही करके तो देख लिया जाए तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा।